अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं तो अफजल भाई के साथ हूँ बारडोली के अंदर में। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम सलाम। अफजल भाई, ये फार्म का दूसरा सेटअप है। हाँ जी। और ये जो है टेरेस पे बनाया हुआ है। जी हाँ, सिस्टर का है। अच्छा, सिस्टर का है आपकी। ओके, बहनों और सिस्टर दोनों यहाँ पे। बहुत अच्छा, घर पे शौक करते हैं जी। मैं थोड़ा दिखाऊँ लोगों को, पूरा फार्म जो है सेटअप बनाया हुआ है। और अफजल भाई के कुछ रो मटेरियल, बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं ना अफजल भाई, दो दो साल, एक एक साल उसको बड़ा करके फिर बाद में फार्म पर लेकर जाते हैं। ओके, अफजल भाई, ये सारी जो ब्रीडर में हम जो काम करते हैं, जो हमारी वीडियोस आई और इतने साल से लोग जो आपको जानते हैं, वो एक बड़ी नस्लों के लिए जानते हैं जी। साथ में आपको एक बोर, हाँ, बोर का शौक भी है जी। ओके, मिल गया था अच्छा बोर तो ले लिया था। ओके अफजल, बताइए इसके बारे में। ये छह दांत है। छह दांतों पर है। Okay. वजन किया नहीं है अभी। वजन नहीं किया है। लेकिन क्या अंदाजा बैठेगा तुम्हें? अंदाजन तो अभी कुछ लगा नहीं सकते। अगर पार्टी को पसंद आता है और पार्टी यहाँ आके देखती है तो अपने वजन करके इंशाल्लाह देंगे इसको। ओके। लेकिन जो है अफजल भाई की एक चीज है कि बोर के अंदर में आप अंदाजा लगाना वैसे भी मुश्किल है। ओके, ये खस्सी है। हाँ, खस्सी पंच किया हुआ है। आंडू लाए थे अफजल भाई? हाँ, आंडू लाए थे। ओके, और फिर बाद में जो इसको पंच किया है जी, कितना टाइम हुआ अफजल भाई पंच करने को? छह सात महीने हुए। छह सात महीने हो गए जी। अब जो है बिल्कुल खसी हो चुका है कि अभी भी हरकतें? अभी भी हरकतें तो है। हाँ, हरकतें तो है। में जाने नहीं देता है किसी को। हाँ, ओके। अभी भी इसको थोड़ा इधर का घुमाइए तो पता चले अभी के। हाँ, बकरे की लेंथ कंडीशन पता चलेगी, चमकता है एक्चुअली अफजल भाई। अफजल भाई, बच्चे की हम जो है लेंथ देखेंगे। हाँ। बालाजी पेश में ना अफजल भाई, थोड़ा हालांकि परफेक्शन ही है। अच्छा अफजल भाई, कोई इसकी पेडिग्री वगैरह पता है आपको कुछ? नहीं, ये एक दोस्त लाया था भाई, उसके कान पे कुछ टीका भी लगा हुआ है, पर अपने को कुछ पता ही नहीं है इसका। ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। सॉरी अफजल भाई, मतलब मैं देखिए, आप हर एक का पेडिग्री जानना तो वैसे भी मुश्किल रहता है जी, कहाँ से आया क्या। ओके, सर्टिफिकेट वगैरह था इसका कुछ? वो भी कुछ पता नहीं है, सर्टिफिकेट का भी कुछ पता नहीं है। ओके, लेकिन है, नस्ल अच्छी लग रही है। अगर अफजल भाई पंच नहीं किया होता तो ये एज अ ब्रीडर भी यूज हो सकता था जी। बहुत लंबाई भी बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है, ब्रीडिंग में यूज हो सकता था, लेकिन अब तो है जो है खस्सी में जी। क्या दाते, क्या दांतों पर अफजल भाई? छह दांत है, छठे फ्रेश लगा है। हाँ, छठे फ्रेश ना, रुक भी सकता है बकरा। और बोर का गेनिंग कितना वजन पे आया था अफजल भाई? ये 65 एक किलो पे आया था भाई, 65 दांत पे, 65 के जी अराउंड, दो दांत पे। ओके, अप्रोक्स अंदाजा नहीं, कभी 90 के अराउंड होना चाहिए। हाँ, 100, मेरा अंदाजा 100 के जी है, 100 के बाहर लग रहा है। ओके, तो जो भी देखेंगे आप वजन करवा के दिखा देंगे कि भाई वजन में जो भी रहेगा वो आपको वीडियो मिल जाएगा जी। ओके, चलिए, खसी में है, बोर में है, प्राइस वगैरह जो है कॉल पर रहेगी जी। आप जिसको भी इंटरेस्ट है आप कॉल कीजिएगा अफजल भाई को, और नंबर जो है अफजल भाई का स्क्रीन पर रहेगा, आप यहाँ पर आइए, देखे, देख कर लेकर जाए। ऑलरेडी जो है खसी कर दिया गया है, तो अभी ना अफजल भाई, मैंने काफी जो शूट किए तो बोर भी अब खसी में आ रहे हैं। लोग खसी कर रहे हैं बोर बकरे को, लेकिन हम तो अल्मीन पर, हमारे यहाँ तो आंसू रहता है जी। जैसा वो तो शौक की बात है, जो किस तरह का शौक रहता है लोगों का जी, उस तरीके से होता है। चलिए, माशाल्लाह तो बोर है, आप जो है कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर जो है अफजल भाई का स्क्रीन पर रहेगा। चलिए अफजल भाई, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।